अगर हम ये सिर्फ इसी बात पर लगे रहें जो हमें चूरन बेचा गया कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया को मारना है, हम उससे ये सीखें कि उसने कैसे आगे तरक्की मैं की इसी दुनिया सवाल की तरफ आ रहा था। आपने पहले बात की कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आपको कैसे लगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है? में। देखें, हमारा अब आप एजुकेशन सिस्टम अगर देखें तो प्ले क्लास से बच्चा जब 1 क्लास में आ रहा है तो उसे फौरन बताया जा रहा है इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो हमारा दुश्मन है, हमने उससे 3 जंगे लड़ ली हैं, 4 जंगे, हाँ 4 जंगे, बल्कि 4 जंगे लड़ ली हैं, उसने हमारा जाने नुकसान किया है, कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, कश्मीर पे कब्जा उसने कर लिया है, हर दिन LOC पे वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। जब एक बच्चे का इमेज ये बना दिया जाएगा तो वो कल को लीडर भी बनेगा ना, तो उसके जहन में ये जरूर होगा कि ये हमारा दुश्मन है, इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो जब ये बच्चों का जहन बन गया तो पूरी एक कौम का जहन बन चुका है, क्योंकि आप देखें ना, कोई भी बच्चा है मैक्सिमम या मिनिमम भी हम लगाएं तो वो 8 क्लास तक तो पढ़ा हुआ ही है, तो 8 क्लास तक है ये सारा, हर मुआशरती उलूम है, PS है। 10 तक मैंने अपनी बेटी की ना बुक देखी थी 10 क्लास की, जो मुताला पाकिस्तान है हिस्ट्री, नहीं मैं 8 तक ये इस वजह से कह रहा हूँ कि 8 तक भी अगर हम लें ना, 10th को छोड़कर भी, तो 8 तक भी हर एक साल को आपको ये पढ़ना पड़ेगा, 4 जंगे हो गई, कश्मीर पे कब्जा हो गया, हमारी जाने खा गया, हमारे पैसे उसने नहीं दिए थे पार्टीशन के टाइम, तो ये सारा एक इमेज हमारा ना गलत बनाया जा रहा है। बात ये है कि जो कश्मीरी हैं वो क्या चाहते हैं, दे डोंट वांट इंडिया, दे डोंट वांट पाकिस्तान, दे वांट फ्रीडम। वो चाहते हैं कि हमें, हम फ्री चाहते हैं, उनका झंडा भी अलग है, वो चाहते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो हम उनके लिए बिला वजह कह रहे हैं कि हम वो हमारा 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 वो, तो पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि हमें कन्वर्ट होना चाहिए अच्छे रिलेशनशिप। अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये सारे पढ़े लिखे, ये दिखाइएगा जरा, ये सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं और ये सारे बैठे हैं, ये इंडिया का नाम, इंडिया के नाम पर बात नहीं करना चाहते, ये हकीकत है। आप जिस तरह की आप सोच रखते हैं, अच्छी सोच, ये मेरे ख्याल में कोई अगर 100-200 बच्चा होगा तो इनमें से सिर्फ 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी सोच के मुताबिक होंगे, वरना ये लोग यही सोचते हैं कि इंडिया के साथ जो है हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं होना चाहिए। आप जिसको इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं इस चीज़ को इस वजह से मानता हूँ कि इन्होंने भी वही बुक्स पढ़ी हैं जो मैं पढ़ के आया हूँ। इनका तो आपका माइंड सेट क्यों चेंज हुआ ये बताएं? मेरा माइंड सेट इस चीज बेस पर चेंज हुआ कि जब मैंने कौमों की तारीफ पढ़ी है ना, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ही पढ़ी है, कुछ में मैंने ये देखा कि जिन मुल्कों का अपने साथ एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को उन्होंने जब दोस्ती में कन्वर्ट किया तो उनका बेनिफिट हुआ है, किसी का नुकसान मैंने नहीं ऑब्जर्व किया। मैं खुद कश्मीरी हूँ, हम रिफ्यूजीज हैं 1947 के। अब उन्होंने 3 साल वहाँ पे जब पूरा रूल चेंज किया है, आर्टिकल वो 360 जो है हटा के, 370 सॉरी जो हटा के उन्होंने किया है, अब वो इधर कश्मीर में भी इंडस्ट्रियल जोन कन्वर्ट करने लगे हैं, अब 4-5 साल उधर जॉब्स मिलेंगे तो वो आस्ता 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 जो है ना बहुत ईजी काम हो जाए। पाकिस्तानी साइड आप कश्मीर पे वर्क हो रहा है, नहीं यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रही, ना होने के बराबर है, हमने उनको इतना डेवलप ही नहीं किया कि अगर अपने लोगों को डेवलप नहीं करेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज नहीं बनाएंगे, यहाँ पर डैम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर लोगों को सहूलतें नहीं देंगे, तो फिर कैसे आप अपने मुल्क की, वो कैसे हमारे साथ मिलेंगे? वो तो देखेंगे कि इंडिया जो है वो वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलतें दे रहा है, तो हमें अपने लोगों को अकोमोडेट करने की ज़रूरत है या नहीं है? हाँ, ये मैं एग्री करूँगा, इस बात की ज़रूरत है, क्योंकि ये आहिस्ता 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 वो अपने मकसद में तकरीबन कामयाब हो रहे हैं। हाँ, पर कश्मीर चले जाएँ तो मुजफ्फराबाद से शारदा तक सड़क थोड़ी सी अच्छी है, शारदा से ताऊगढ़ तक तो सड़क ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, रोड्स भी नहीं है। मैं गया था लास्ट ईयर वहाँ पर, तो अगर मुजफ्फराबाद से जाएँ नीलम वैली के अंदर शारदा तक जाएँ तो सिंगल रोड है अट मुकाम से गुजर कर और कुंडलशाही, लेकिन जब शारदा से केल अड़ंग केल या ताऊगढ़ जाएँ तो वहाँ पर रोड्स हैं इतने रॉकी रोड्स हैं, वहाँ पर इतने रोड्स हैं, वहाँ पर करोला और ये जो कल्टिस वगैरह हैं वो तो जा ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम हसन रजा सर। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं MA का स्टूडेंट हूँ इंग्लिश में, GC यूनिवर्सिटी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो, वो इंडिया के दौरे पर गए हैं SCO मीटिंग में शिरकत के लिए, 12 साल बाद कोई भी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया गया, जिस तरह के तल्लुकात हमारे बने हुए हैं इंडिया के साथ, आप समझते हैं इसमें कुछ बेहतरी आएगी उनके विजिट से? सर, इस तरह फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमारे इस वक्त करंट, तो उनका जाना ना है ना, हमें जो है ना इस स्टेप को अच्छा समझना चाहिए, इस स्टेप को अच्छा इस तरह से कि देखें ना, इस वक्त आज एक सर्वे जारी हुआ है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, उनमें से पाकिस्तान सबसे ऊपर है जो सबसे ज़्यादा बजट अपना डिफेंस पर लगाता है एजुकेशन के नस्बत। तो अगर देखें ना, हमारा डिफेंस बजट क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा इंडिया दुश्मन है, हमने इंडिया की वजह से अपना डिफेंस इतना हाई किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो है, तो हमारा एक 12 साल बाद फॉरेन मिनिस्टर का इस तरह उस मुल्क में जाना, ये एक खुश आइंद बात है, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे शायद मसाला हल
लेकिन उससे इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने से फायदा ही है। फायदा किस तरह है कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर हो सकती है बाय रोड है वाघा बॉर्डर से, हमारे एक्सपेंसेस थोड़े हैं, हमें सब्जियां ये सारा कुछ जल्दी अवेलेबल हो सकता है, अच्छी कीमत पर मिल सकती हैं। अगर हम ये सिर्फ इसी बात पर लगे रहें जो हमें चूरन बेचा गया कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया को मारना है, हम उससे ये सीखें कि उसने कैसे आगे तरक्की की। इसी सवाल की तरफ आ रहा था, आपने पहले बात की कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आपको कैसे लगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है? देखिए हमारा अब आप एजुकेशन सिस्टम अगर देखें तो प्ले क्लास से बच्चा जब वन क्लास में आ रहा है तो उसे फौरन बताया जा रहा है इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो हमारा दुश्मन है, हमने उससे तीन जंगे लड़ ली हैं, चार जंगे लड़ ली हैं, उसने हमारा जाने नुकसान किया है, कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, कश्मीर पे कब्जा उसने कर लिया है, हर दिन LOC पे वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। जब एक बच्चे का इमेज ये बना दिया जाएगा तो वो कल को लीडर भी बनेगा ना, तो उसके जहन में ये जरूर होगा कि ये हमारा दुश्मन है, इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो जब ये बच्चों का जहन बन गया तो पूरी एक कौम का जहन बन चुका है, क्योंकि आप देखें ना कोई भी बच्चा है मैक्सिमम या मिनिमम भी हम लगाएं तो वो 8 क्लास तक तो पढ़ा हुआ ही है, तो 8 क्लास तक है ये सारा, हर मुआशरती अलूम है, PS है। 10 तक मैंने अपनी बेटी की ना बुक देखी थी 10 क्लास की, जो मुताला पाकिस्तान हिस्ट्री, नहीं मैं 8 तक ये इस वजह से कह रहा हूँ कि 8 तक भी अगर हम ले ना 10th को छोड़ कर भी, तो 8 तक भी हर एक साल को आपको ये पढ़ना पड़ेगा, चार जंगे हो गई, कश्मीर पे कब्जा हो गया, हमारी जान ने खा गया, हमारे पैसे उसने नहीं दिए थे पार्टीशन के टाइम, तो ये सारा एक इमेज हमारा ना गलत बनाया जा रहा है। हमें ये पढ़ाया जाए कि उसने IT में इतना एक्सपोर्ट कैसे कर लिया। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का पता चला है मुझे कि सऊदी अरब ने $161 अरब कमाया है तेल से, जबकि इंडिया ने $169 अरब कमाया है IT से। बड़ी बात है, ये चेक करें सर। और हमने क्या लगाया हुआ, हमने सिर्फ ये लगाया कि इसको मारना है, इसके साथ जंग है, ये दुश्मन है, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। जो हमारे साथ पैदा हुआ, हम वो अक्सर हमें कहता है कि मैं वालिद हूँ तुम बच्चे हो, क्योंकि हमसे तुम अलग हुए हो, तो हम यही सीख लें वो आजाद हुए हम, हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, तो जो जन्म हुआ है देखे ना बच्चा अपने बाप से ही सीखता है, तो हम बाप नहीं मानते, हम उसे पड़ोसी मुल्क मान लेते हैं, बिरादर मुल्क, हर एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के साथ इल्हाक किया ही है ना, तो अच्छे के लिए कर लेना चाहिए। अब फॉरेन मिनिस्टर का जाना हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बाकी अगर हम ये कहें कि अपोजिशन जो है वो इस चीज को फवाद चौधरी या दूसरे कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, तो अपोजिशन तो हमेशा स्टेप गलत लेती है, वो तो हमेशा अपोजिट होती है ना, वो कहते हैं ये स्टेप अच्छा नहीं हुआ, ये स्टेप अच्छा नहीं हुआ, तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मामलात अच्छे की तरफ। अच्छा, जो कुछ हमारे और भी जो डिप्लोमेट हैं जो इंडिया के अंदर रहे हैं, अब्दुल बासित, उन्होंने भी ये बोला कि जी पूंछ अटैक अच्छा हुआ जो हुआ है, और इस तरह की बातें वो भी नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि जी नहीं जाना चाहिए बिलावल भुट्टो को, तो इतने मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही बल्कि कि जो हमारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे इंडिया के अंदर, अगर वो उनका ऐसा जहन है जो इंडिया की दुश्मनी पर मबनी है, तो हमारे तल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं इंडिया के साथ? ये सर आप कह रहे हैं ना कि वो डिप्लोमेट रहे हैं और वो इधर आके अब ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को नहीं जाना चाहिए था, वो एक ना कौम की सोच की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि कौम की ज्यादातर ये लोग समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को नहीं जाना चाहिए था, जबकि आप जो पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे ना, मेरी यूनिवर्सिटी के लोगों से बात करेंगे, मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि ये ऐसा सही हुआ है या नहीं हुआ, तो पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि हमें कन्वर्ट होना चाहिए अच्छे रिलेशनशिप्स की। अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये सारे पढ़े लिखे, ये दिखाइएगा जरा, ये सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं और ये सारे बैठे हैं, ये इंडिया का नाम, इंडिया के नाम पर बात नहीं करना चाहते, ये हकीकत है। आप जिस तरह की आप सोच रखते हैं, अच्छी सोच, ये मेरे ख्याल में कोई अगर 100-200 बच्चा होगा तो इनमें से सिर्फ 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी सोच के मुताबिक होंगे, वरना ये लोग यही सोचते हैं कि इंडिया के साथ जो है हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं होना चाहिए। आप जिसको इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं इस चीज़ को इस वजह से मानता हूँ कि इन्होंने भी वही बुक्स पढ़ी हैं जो मैं पढ़ के आया हूँ। इनका तो आपका माइंडसेट क्यों चेंज हुआ ये बताएं? मेरा माइंडसेट इस चीज़ बेस पर चेंज हुआ कि जब मैंने कौमों की तारीफ पढ़ी है ना, कुछ ज्यादा नहीं कुछ ही पढ़ी है, कुछ में मैंने ये देखा कि जिन मुल्कों का अपने साथ एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को उन्होंने जब दोस्ती में कन्वर्ट किया तो उनका बेनिफिट ही हुआ है, किसी का नुकसान मैंने नहीं ऑब्जर्व किया। तो जब हमारा एक मुल्क है जो वो तरक्की कर रहा है दूसरा मुल्क, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके साथ बड़ी अच्छी रही है, जब उनके वजीर आजम आए थे वाघा बॉर्डर के से, तो हमारे उन दिनों में ताल्लुकात अच्छे थे। फिर मैंने जब देखा हमारा डिफेंस बजट इतना ज्यादा है, एजुकेशन पे 0 जा रहा है, तो हमें अपनी पहले हालत तो बेहतर कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका दुश्मन हूँ तो मैं पहले खुद को इतना काबिल तो बनाऊँ ना कि मैं आपका हर मामले में आपके सामने आ सकूँ। मैं सिर्फ इस मामले में कि बंदूक तू तान, बंदूक मैं तानू, नहीं भाई मैं IT में आ गया आऊंगा, नहीं भाई मैं एजुकेशन में आ गया जी,
मैं इन सब चीजों में इंडिया का मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं तुम्हें मारूंगा तुम मुझे मारो, मैं लड़ाई की बजाय मैं इक्तसादी समाजी सोशल इन सब वैल्यूज में उससे आगे आना चाहता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मुझे मेरे मोहम्मद ने सिखाया है, मुझे मेरे अल्लाह ने बताया है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मुआशियत को बेहतर करो। मैं सिर्फ अगर हजूर पाक थे काफरों के साथ उनके ताल्लुकात, उनको अगर हजूर पाक ने काफरों के मुकाबले में सिर्फ ये तो नहीं कि सहाबा को जंगों के लिए तैयार किया, नहीं सहाबा को बिजनेस भी सिखाया, सहाबा की रूहानी जिंदगियां समाजी घरेलू जिंदगियां वो भी बेहतर बनाई। हमें अपने इन मामलात पर और इन चीज़ों पर भी ग्रिप मजबूत करनी चाहिए। हमारा इंडिया के साथ हर चीज में मुकाबला होना चाहिए, ना कि सिर्फ आर्मी में होना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तो कोई मुकाबला नहीं ना, अभी आप जैसे देखें कि आईटी की आपने बात की तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में 3 या 4 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट हुई है, तो वो देखिए कहाँ पर सैकड़ों में उनकी है, वहाँ पर देखिए कोई भी जो बड़ा से बड़ा ब्रांड है नया से नया ब्रांड है उसकी ओपनिंग हो रही है इंडिया के अंदर, और दुनिया के अंदर जितने बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओज जो हैं वो इंडियन लग रहे हैं। पाकिस्तानी आप कहाँ पर देख रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट आया समझते हैं कि इंडियन स्टूडेंट के मुकाबले में कुछ जा रहे हैं? सर इसमें वैसे प्रॉब्लम वहाँ पर आया जब हमारा जो है ना एजुकेशन सिस्टम जो था, हमारा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा लो और बैकग्राउंड, मतलब वही बुक्स पढ़ रहे हैं जो हमारे वालदैन पढ़ चुके हैं, जो वो हम वो थ्योरीज पढ़ रहे हैं जो रिजेक्ट हो चुकी हैं। सिलेबस अपडेटेड होना चाहिए, और उसके बाद अगर हम ये कहें कि इंडिया ने आईटी से इतना कमाया और हमने इतना कमाया, इंडिया तो अब गाड़ियां बनाने वाला जापान के बाद दूसरा मुल्क दूसरे नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पर, और ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो 2030 तक जापान से भी आगे आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों में इंडिया इस वजह से आगे आ रहा है क्योंकि उसने अपने बच्चों का जहन बदला है। वहाँ के ज़्यादातर लोग सीईओ किस वजह से बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों को प्रमोट किया है, उन लोगों को एडवर्टाइज किया है। हमें यह सीखना चाहिए कि हम 23वां बजट अब लेने जा रहे हैं, 23वां प्रोग्राम लेने जा रहे हैं आईएमएफ से, जबकि इंडिया 2 प्रोग्राम लिए आज तक, उसके बाद जान छुड़वा ली उन्होंने 1990 के बाद, इंडिया गया ही नहीं आईएमएफ के बाद। हमें उससे यह सीखना चाहिए कि उसने कौन से स्टेप से इंडिया से इस तरह मूव कर लिया कि आईएमएफ के उसका ताल्लुक ही खत्म हो गया, जबकि हम हर दूसरे साल बाद यार हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, आईएमएफ बचा सकता है, आईएमएफ बचा सकता है। हमें तो एक ही तराना पढ़ाया जा रहा है कि आईएमएफ की वजह से हम चल रहे हैं। और सर अगर हिस्ट्री हमारी देखी जाए ना, तो हम लोग जो है ना फंडिंग मुल्क रहे हैं, पहले हमने तालिबान हमारे आए, रशिया या यूएसएसआर अफगानिस्तान में, तब हमें अमेरिका ने सपोर्ट किया, डॉलर पर चलने वाले हैं हम फंडिंग पर चलने वाले हैं, यूएसएसआर आया, वार ऑन टेरर हुई सर उस पर हमें आया। हमें इन चीज़ों से निकलना होगा, हमें बजाते कौम अपने पाँव पर खुद खड़ा होगा। अच्छा ये बताएं कि आप पाकिस्तानी जो लीडरशिप है और इंडिया की जो लीडरशिप है उनके दरमियान में अगर कंपैरिजन करें तो क्या देखते हैं कि इंडिया के जो लीडर हैं जैसे मोदी जी हैं वहाँ पर, उनको आप कैसा लीडर मानते हैं, कि वो इंडिया की तरक्की में उनका कितना हाथ समझते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे लीडर या उनके लीडर, हमारी आर्मी अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आर्मी का एक नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन काबिले दीद है। पॉलिटिशियंस पे रहा हूँ तो हमारा पॉलिटिकल निज़ाम ही कमज़ोर है। आप देखें ना कि आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, इसकी कोई रीजंस तो होंगी, और कोई किसी चीज़ को ब्लेम कर सकता है कोई किसी चीज़ को, लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ही मजबूत नहीं है, उनमें ही जमहूरियत नहीं है, खानदानी निज़ाम चलता आ रहा है, बेटे का बेटा। और जो इंडिया में है, इंडिया में जबकि यह है कि मोदी साहब अगर आए हैं इलेक्शन में तो उन्हें 10 साल हो रहे हैं, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर 14 साल रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू थे। हमें और हमारे पहले आठ साल कह रहा हूँ मैं, 50 से 56 तक हमारे 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। तो हमें यही चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही कमज़ोर उसी तरह जिस तरह हमारा मुआशी सिस्टम कमज़ोर है, एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर है। हर एक निज़ाम को अपडेट करना चाहिए, हर एक निज़ाम में जमहूरियत लानी चाहिए और हर एक निज़ाम को इस सरे नौ तश्कील देना चाहिए। अच्छा आखिरी सवाल आपसे कि आप एंड में ये बताएं कि बिलावल भुट्टो कुछ गेन करके आएंगे वहाँ से या नहीं? बिलावल भुट्टो ज़्यादा कुछ ना गेन करके आए तो एक होप तो गेन करके आएंगे ना कि हम अब चेंज होने जा रहे हैं, हमारा अब नज़रियात बदल रहे हैं, हम दोस्ती की तरफ आते हैं, दुश्मनी से अगर 75 साल में कुछ नहीं हुआ तो शायद दोस्ती से बहुत कुछ हो जाए। शूज़ ऑप्शन तो लेने चाहिए ना, ऑप्शन लेने से ही कुछ तब्दीली आ सकती है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं, तो मेरा ये यकीन है कि वो होप लेकर आएंगे और इंशाल्लाह इंडिया विल आल्सो डू बेटर विद अस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम जी? वसीम। वसीम भाई क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं एम फिल कर रहा हूँ जूलॉजी में फ्रॉम GCUF। अच्छा, आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए जी SCO मीटिंग में, जी जी, तो कुछ आइस मेल्टिंग वहाँ पर होगी, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, लग जा ही रहा है कि ये गेटवे है
कि नेक्स्ट टाइम जो हमारे जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनके ऊपर नेगोशिएशन हो सके या मुज़ाकरात हो सके, क्योंकि हमारे जो मुज़ाकरात है वो अबाउट 2014 2016 के बाद से कोई मुज़ाकरात की पेशरफ्त हुई नहीं है, लेकिन अभी ये जो एक चांस बन रहा है कि वहाँ पर अभी कोई 12 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर गया, 12 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर गया और वहाँ पर अब उम्मीद की जा सकती है कि कोई आ गया बात चले। लेकिन जो 2 साल पहले जो हुआ था पुलवामा में और जो बालाकोट वाला सीन हुआ है, अभी भी हुआ ना ये चंद दिन पहले, ये कौन सा कहाँ पर हुआ, ये पूंछ में अटैक हुआ ये, तो वहाँ पर भी उसकी वजह से भी इंडिया के अंदर काफी वो लोग जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं। ये जो एससीओ की मीटिंग पहले शायद श्रीनगर में कर रहे थे तो पाकिस्तान ने इस पर किया एतराज भी, एससीओ की मीटिंग नहीं थी वो G20 की मीटिंग है, वो श्रीनगर के अंदर हो रही है, वो श्रीनगर में ही हो रही है, पाकिस्तान उस पर किया एतराज के शायद ये वहाँ पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अभी तक डिस्प्यूटेड है। हालांकि इंडिया ने तो 1 साल पहले डिक्लेयर कर दिया है कि इट इज नो मोर डिस्प्यूटेड एरिया, उन्होंने अपने कर दिया। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कश्मीर के मसले के ऊपर बात करेंगे वहाँ पर बिलावल भुट्टो, अगर वो करेंगे तो इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा? आप बात करेंगे इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बात करना बहुत मुश्किल है वहाँ जाकर, इंडिया में जाकर इंडिया में और एससीओ की मीटिंग हो रही है, क्योंकि एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है वो कश्मीर के बारे में है नहीं, वो एक और सी कॉरपोरेशन है, उसका मकसद ही और है, तो आप अपने मकसद से साइड पर नहीं जा सकते। हाँ, अगर उनके कोई वहाँ पर मुशीर वगैरह फॉरेन मिनिस्टर के, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ भी बात कर सकते हैं कि आइंदा हम इस पर बात करना चाहेंगे और वो कहेंगे कि चले हम इस पर बात करेंगे या नहीं, अभी तक तो बात हो नहीं पाएगी वहाँ। तो वैसे आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे बाजवा साहब ने एक तजवीज़ दी थी कि 20 साल के लिए कश्मीर को भूल जाना चाहिए और इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात बिल्ड करने चाहिए, तो आप समझते हैं कि हमें ऐसे करने की ज़रूरत है? हमें ऐसे करने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि इस तरह से हम इकोनॉमिकली थोड़ा सा डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादातर जा रही है डिफेंस पर, हम अपना ज़्यादातर बजट जो ज़ाया कर रहे हैं वो डिफेंस पर, हम हर साल 2-3-4 मिली नगमे बना देते हैं 14 अगस्त पर 23 मार्च पर, हम कह देते हैं कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर आ रहा है जी, आ रहा है आ रहा है, लेकिन इस तरह से कश्मीर नहीं आएगा। कश्मीर इस तरह से आएगा जब इंडिया की जो करेंसी है वो 16 कंट्रीज में शायद 18 में अब वो चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी कहाँ चल रही है, 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा इधर आए तो 75 का नोट नहीं लेते, कई लोग कहते नहीं भाई ये हम नहीं। मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ईद के ऊपर नए नोट बच्चों के लिए लेकर आए तो वो सारे बच्चों ने मुझे वापस किए, कह रहे नहीं चलते हैं ये। हाँ नहीं चल रहे, यही बात है। तो 20 साल की अगर हम भूल जाते हैं तो उन 20 सालों पर अपने मुल्क पर काम करें, पाकिस्तान को संभालें। अच्छा, इंडिया के साथ हमें मुकाबला करना, जो कहते हैं ना जंग में मुकाबला करना, तो हमें दूसरे जो शोबे हैं वहाँ पर आईटी की फील्ड है या दीगर जो एक्सपोर्ट है वहाँ पर भी मुकाबला करने की जरूरत नहीं है हमें? एक्चुअली जो लेटेस्ट जो वार है ना वो मैदानों वाली जंग रह नहीं गई, अब वॉर है इकोनॉमिक्स की, अब वॉर है इकोनॉमिक्स की वॉर है और आईटी की है। इकोनॉमिकली जो डेवलप करता है, चाइना ने अमेरिका के साथ जंग नहीं की लेकिन वो जो चाइना है वो अमेरिका से जीत चुका है, अब देख रहे हैं कि चाइना अब ईरान का और सऊदी अरेबिया का आपस में करवा रहे हैं। जापान को देख लेना, जापान के ऊपर एटमी धमाके हमले किए थे अमेरिका ने, तो उसने क्या किया, उसने जंगे नहीं किया कि या ना उन्होंने हथियार बनाए, उन्होंने अपनी कौम को डेवलप किया, वो ही कह रहे हैं कि हमारा बदला ये है कि हमने अपने लोगों को तरक्की दी है। जी सर, इकोनॉमिक्स की वार है, आप इकोनॉमिक्स की वार जीत गए तो आप हर वार जीत गए, यही बात। तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए आप बताएं? पाकिस्तान को ये नहीं कि हम कश्मीर छोड़ने वाले हैं या हम कह देंगे हम कश्मीर छोड़ देंगे, लेकिन पहले हमें अपने मुल्क को संभालना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी पर काम करना चाहिए, अगर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रांग है तो हम किसी भी कश्मीर, आप समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के हाथ में है कश्मीर, जो हमारे कश्मीरी जो हमारी तरफ कश्मीरी है वो हमसे मुतनफर हुए पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे हमें हकूक नहीं मिल रहे। बात यह है कि जो कश्मीरी हैं वो क्या चाहते हैं, दे डोंट वॉन्ट इंडिया, दे डोंट वॉन्ट पाकिस्तान, दे वॉन्ट फ्रीडम, वो चाहते हैं कि हम फ्री चाहते हैं, उनका झंडा भी अलग है, वो चाहते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो हम उनके लिए बिला वजह कह रहे हैं कि हम वो हमारा हमारा हमारा, वो तो समझ रहे हैं आप सर। आखिरी सवाल आपसे कि पाकिस्तानी लीडरशिप और इंडियन लीडरशिप का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहाँ पर दोनों को कहाँ पर देख रहे हैं, दोनों मुल्क के लिए ज़्यादा तरक्की के लिए कौन है बायस तरक्की का, पाकिस्तानी लीडरशिप या इंडियन लीडरशिप? सर अब इंडियन अगर बात करें, मोदी साहब की बात करें तो वो हैं, उनको कह सकते हैं कि वो इंतशार पसंद है या तशद्दुद पसंदाना उनकी सोच ज़रूर है, लेकिन अपने मुल्क के साथ वो सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे जो मुल्क के लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तशद्दुद पसंद बिल्कुल नहीं है, इंतशार पसंद भी नहीं, चाहे हम इंतशार खान साहब का नाम लेते हैं लोग, लेकिन वो हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन ये लोग आपस में लड़ी जा रहे हैं। अब मोदी साहब क्या कर रहे हैं, वो अपने मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। इंडिया में अच्छा, इस तरह के अच्छा, एक आप थोड़ी सी तस्दीक कर लूँ या आपसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिसएग्री कर रहा हूँ कि आपको किसने बताया कि मोदी साहब जो है वो इंतशार पसंद है या वो तशद्दुद पसंद है? बिल्कुल है सर, गुजरात में उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत बुरा किया। अच्छा, ठीक है,
और जब से वो आए हैं प्राइम मिनिस्टर गुजरात में, मैं अभी आपको कॉल मिला के देता हूँ, गुजरात के मुसलमान जो हैं मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी जितना हमारा इन्होंने ख्याल रखा है ना मोदी साहब ने, उतना किसी ने ख्याल नहीं रखा। तो ये असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिहाइंड द सीन है, जो हमें हम तो जो पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं, क्या करें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले उन्होंने किया है ना बेईमाना, उन पे तशद्दुद किया है, तसब जो है गाय के नाम पे उन पे तशद्दुद किया है। मैं खुद कश्मीरी हूँ, हम रिफ्यूजीज हैं 1947 के। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन कायम कर दिया कश्मीर के अंदर। नहीं नहीं, वो आप कश्मीर में भी ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने उधर इंडस्ट्रियल जोन बना दिया है। वो लोग जो पहले जो है उनको बदवाएं देते थे, अब उनको जॉब मिल रही है बनिस्बत पाकिस्तान के, पाकिस्तान में जॉब नहीं है। आपकी क्या माइंड सेट है, आप क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आप रहेंगे, आप आजाद रियासत के लिए लड़ रहे हैं, क्या आपकी क्या सोच है? सोच तो यही थी, इसलिए हम 47 ने अपने जमीन ने जदायत सब कुछ छोड़ के आए थे। लेकिन हालात जो है बस से बदतर हो रहे हैं, अकेले हम नहीं सफर कर रहे, पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है, जिसकी वजह से इल्हाक तो जब भी हुआ तो वो तो पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान लेकिन हमें जो कश्मीर से रिपोर्ट्स मिल रही हैं, वहाँ पर डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा भी हैं, एक वहाँ पर अमजद अयूब मिर्ज़ा, वो भी अपने आप को कहते हैं मैं कश्मीरी फर्जंद हूँ, वो सारे यही कह रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान के हालात हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते। अब उन्होंने 3 साल वहाँ पर जब पूरा रूल चेंज किया है, आर्टिकल वो 360 जो है हटा के 370 जो हटा के उन्होंने किया है, अब वो इधर कश्मीर में भी इंडस्ट्रियल जोन कन्वर्ट करने लगे हैं। अब 4-5 साल उधर जॉब्स मिलेंगे तो वो आस्ता 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 जो है ना बहुत इजी काम हो जाएगा। पाकिस्तानी साइड आप कश्मीर पे वर्क हो रहा है, थोड़ा नहीं यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रही, ना होने के बराबर है, हमने उनको इतना डेवलप नहीं किया कि अगर अपने लोगों को डेवलप नहीं करेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज नहीं बनाएंगे, यहाँ पर डैम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर लोगों को सहूलतें नहीं देंगे, तो फिर कैसे आप अपने मुल्क की वो कैसे हमारे साथ मिलेंगे? वो तो देखेंगे कि इंडिया जो है वो वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलतें दे रहा है, तो हमें अपने लोगों को अकोमोडेट करने की ज़रूरत है या नहीं है? हाँ, ये मैं एग्री करूँगा, इस बात की ज़रूरत है, क्योंकि ये आहिस्ता 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 वो अपने मकसद में तकरीबन कामयाब हो रहे हैं। जैसे उन्होंने दरिया पहले 6 के 6 दरिया या 5 थे पाकिस्तान के थे, उनमें से 3 लिए, 3 हमें दिया, अब वो उन 3 पर भी कब्जा करें, सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास डैम बनाने के लिए फंड नहीं है या सियासी तौर पर हम एग्री नहीं है इस बात पर। तो इसमें कामयाब हो चुके हैं, अब उनकी नज़रें जो है वो उसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। आप कौन से शहर के हैं कश्मीर में? नहीं, हम रिफ्यूजीज हैं, मैं वैसे गुजरावाल से सन से आए हुए हैं, हम 1914 आपके यानी के फोर फादर जो हैं वो आए। कौन से शहर से आए थे? रजौड़ी। रजौड़ी के हैं, डिस्ट्रिक्ट रजौड़ी। आप कैसे देख रहे हैं ये, जैसे भाई ने बात की कि कश्मीर के सारे जो हालात हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ काम करने की ज़रूरत है कश्मीर के अंदर? सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स होती हैं उनको स्नप करने का जो असल करने का जो सही तरीका था वो यही होता है कि वहाँ पर इंडस्ट्री लाएँ, वहाँ पर जॉब्स लाएँ। जब आवाम खुशहाल हो जाएगी तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट तो खत्म हो जाएगी ना। जो अभी भाई कह रहे हैं कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर जो वो काम कर रहे हैं तो उसको स्नप करेंगे, जब आवाम खुशहाल हो जाएगी तो शायद उनकी वो जो मूवमेंट है वो बैठने। दुनिया का एक बेहतरीन जो मॉल है इमार मॉल जो है वो श्रीनगर के अंदर बन रहा है, वहाँ पर आईटी इंडस्ट्री के ऊपर काम हो रहा है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, वहाँ पर ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ पर बना है। तो हम अपने जो कश्मीर की बात अगर कर लें तो यहाँ पर कश्मीर चले जाएं तो मुजफ्फराबाद से शारदा तक सड़क थोड़ी सी अच्छी है, शारदा से ताऊपुर तक तो सड़क ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, रोड्स भी नहीं है। मैं गया था लास्ट ईयर वहाँ पर, तो अगर मुजफ्फराबाद से जाएँ नीलम वैली के अंदर शारदा तक जाएँ तो सिंगल रोड है अट मुकाम से गुजर कर और कुंडलशाही, लेकिन जब शारदा से अगर केल अड़ंग केल या ताऊपुर जाएँ तो वहाँ पर तो रोड्स हैं इतने रॉकी रोड्स हैं, वहाँ पर इतने रोड्स हैं, वहाँ पर करोला और ये जो कल्टस वगैरह हैं वो तो जा ही नहीं सकती, जीपेबल जो हाई जिनकी बॉडी होती है वो जाती है, इसलिए हमारे पास रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बाकी ये देख लें अगर हमारे पास सिर्फ सड़कें हम नहीं बना सकते तो हमने कैसे लोगों को कैसे मुतमिन करना? देखिए आप जो हमारे कश्मीरी भाई हैं इधर वाले वो कनेक्टेड होंगे ना वहाँ के कश्मीरी, तो आपस में जब बातचीत होती होगी वो बोलेंगे जी हमारे पास ये सहूलतें हैं, हमें यहाँ पर ये है, और ये बता देंगे हमें यहाँ पर तो हमारे लोड शेडिंग ही होती है और बिजली के जो रेट है, आटे का देखिए कितना डिफरेंस है वहाँ का और एक लाइन की वजह, सिर्फ लाइन की वजह से, तो कौन चाहेगा कि जी यहाँ पर रहे? वो तो सारे कहेंगे हम क्रॉस करें लाइन और उधर चले जाएं, ऐसी सोच आएगी या नहीं आएगी? इकोनॉमिक क्राइसिस जो है बहुत ज्यादा असर कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान को पहले इस पर काबू पाना होगा उसके बाद इसका मुकदमा लड़ना चाहिए।
इंटरनेशनल फोरम पे लड़ें, चाहे सियासी तौर पे लड़ें, जैसे भी लड़ें, लेकिन फिर मुकदमा है इसका लड़ने के काबिल। लेकिन पहले अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही मैं एग्री करूंगा आपके पास। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और क्या पढ़ रहे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद इरफान आरिफ और मैं जीसी यूनिवर्सिटी में बीएस कंप्यूटर साइंसेज कर रहा हूँ। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम शहजाद है और मैं जीसी से बीएस पाकिस्तान स्टडी कर रहा हूँ। वेरी गुड जी। अच्छा, आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, 12 साल बाद कोई भी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से इंडिया गया है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर कुछ दोनों मुल्कों के तल्लुकात में बेहतरी आएगी आप समझते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह के पाकिस्तान और इंडिया के हालात शुरू से ही बहुत ख़राब है, और अगर हमारी तरफ से उनके लिए दोस्ती का पैगाम जाता है तो इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं, अगर बिलावल भुट्टो वहाँ पे जाके पाकिस्तानी हालात के बारे में बात करते हैं तो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ बेहतरी आएगी? जिस तरीके से हालात इस वक्त पैदा हैं, जो एक पूंछ में अटैक हुआ था उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा दोनों मुल्कों के अंदर कशीदगी पाई जा रही, तो समझते हैं आपके कुछ बेहतरी आएगी इससे? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अगर बंदा दूसरे मुल्क जाता है तो कुछ तल्लुकात के लिए जाता है, तो अगर ये जाएंगे कुछ मंसूबे होंगे, इकॉनमी हमारी स्टेबल होगी, यही चीज़ है। अगर वो गए हैं तो कुछ ना कुछ तो इकॉनमी के बारे में हमारे सोचेंगे, चाहे वो अपोजिट बंदा हो या अपने किसी भी लीडर को सपोर्ट करता हो। जो बंदा मुफाद के लिए पाकिस्तान के लिए सोचेगा, हम उसे बेहतर ही कहेंगे। इसमें अब जो इंडिया के अंदर कुछ लोग एहतजाज भी कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से कुछ इन्होंने बयान दिया था कश्मीर के बारे में, उसके ऊपर काफ़ी वहां पर तहफ़ात पाए जा रहे थे, तो एहतजाज भी वहां के मुसलमान ही कर रहे हैं कि जी ये इन्होंने कश्मीर का नाम क्यों लिया इस तरह, तो क्या आप समझते हैं कि किस तरीके से बेहतरी कैसे आएगी? अगर जाकर इन्होंने फिर वहाँ पर दोबारा से कश्मीर की बात की तो हो सकता है कि वो कुछ फ़ायदा ना हो, तो इनको क्या बात करनी चाहिए वहाँ पर जाकर? आप समझते हैं ट्रेड की बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में ट्रेड होनी चाहिए? देखें, ट्रेड की बात अगर करेंगे तो हमारी इकॉनमी वही बात आ गई कि मतलब वही स्टेबल होगी, तो अगर हमारी इकॉनमी स्टेबल होगी तो हमें हर मुल्क फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। कश्मीर की बात करें, वो तो वहाँ पर 70 साल पहले तक ये जुल्म ही हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मारा है, कल भी मारा है। ये पाकिस्तान के जो बड़े रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म जैसे, उनको सोचना चाहिए इसके ऊपर जो कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। देखें, पहले कोविड में उसके ऊपर वो था, तकरीबन लॉकडाउन लगा हुआ था, वो आवाम हर एक बंदे ने अपने अपने स्लोगन लगाए हुए हैं, स्टेटस लगाए थे, लेकिन उसके बाद अभी भी वो लगा हुआ है लॉकडाउन, लेकिन हम भूल गए हैं उसे। कश्मीर के अंदर तो अब जो मीटिंग हो रही है ना वहाँ पर, जो G20 की मीटिंग, वो कश्मीर के अंदर ही हो रही है। पूरी दुनिया के जो 20 बेहतरीन मुल्क हैं जो बड़े बड़े, वो कश्मीर के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर कोई इस तरह की लॉकडाउन नहीं लगा हुआ, ना ही वहाँ पर कोई पाबंदी है, तो ये आपने वैसे कहाँ से सुना कि वहाँ पर लॉकडाउन? तकरीबन ये 6-7 माह तक तो लगा, 8 माह तक, पहले तकरीबन 1-1.5 माह तक तो हर बंदे ने उसे उठा के रखा है, लॉकडाउन लगे हमें बोलना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर वो खामोशी छा गई। आप करेंगे बात कोई? थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम नफीसुल हक है। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं बीएस कर रहा हूँ यहाँ से। आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो, वो इंडिया गए हैं एससीओ मीटिंग में, तो क्या कहेंगे आप इस पे कि पाकिस्तानी इंडिया के तल्लुकात कुछ बेहतर हो जाएंगे उनके दौरे की वजह से? हाँ जी, ऐसा लगता तो है कि बेहतर हो जाएंगे, ऐसे जाना भी चाहिए वैसे, तो ये अच्छा है कि वैसे तो मीडिया पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, तो इससे ये होगा कि थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, तो ये अच्छा है, तल्लुकात बेहतर होंगे आपके। हाँ जी, उम्मीद तो है। अच्छा, ये बताएं कि कुछ जो पीटीआई के लीडर हैं हमारे, जैसे फवाद चौधरी वगैरह, ये सब कह रहे हैं कि इनको नहीं जाना चाहिए था, इंडिया के साथ ऐसे ही मामला रखने चाहिए थे। इसी तरह से एक और जो डिप्लोमेट हैं अब्दुल बासित, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की हैं कि जी नहीं जाना चाहिए था इनको, ये है वो है, तो आप क्या समझते हैं क्यों इस तरह के जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो क्यों इस तरह के बयान देते हैं कि इनको नहीं जाना चाहिए? वैसे हर एक का अपना एक नज़रिया होता है, ये तो अब हर किसी की सोच पर डिपेंड करता है ना, लेकिन ये अच्छा है, जाना चाहिए, बस मुल्क के लिए बेहतर है। हाँ, मुल्क के लिए बेहतर है, बस जाना चाहिए। वैसे तो हर कहीं पर ये दौरे पर जाते ही रहते हैं, इंडिया भी जाएंगे तो अच्छा है, बेहतर है, कुछ अलग बात बेहतर होंगे इससे, उम्मीद तो है बेहतर होंगे। तो क्या पाकिस्तान की ट्रेड वगैरह समझते हैं इससे कुछ इस तरह के रास्ते खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, अभी सिर्फ आइस मेल्टिंग ही होगी? ये तो हो सकता है कि कुछ बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और क्या पढ़ रहे हैं आप?
मेरा नाम है खुबैब और इधर से इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम सामा अमजद है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम शहरोज लतीफ है और मैं अभी बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। जी मेडिकल से रिलेटेड है सर। जी जी, ये आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तानी फॉरन मिनिस्टर गए हुए इंडिया, आपको शायद इलम हो, SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पर, उसकी मीटिंग में ये 12 साल बाद कोई पाकिस्तानी फॉरन मिनिस्टर जा रहा है, क्या देख रहे हैं कि तअल्लुकात में बेहतरी आपको नज़र आ रही है पाकिस्तान इंडिया की इनके जाने की वजह से? जी शायद अगर कोई जाके मसला मतलब बैठ के सॉल्व करेंगे शायद कुछ मसले में हल निकल आए और ये जो सदियों से चलती आ रही दुश्मनी ये ख़त्म हो। क्या मतलब जिस तरह की आजकल की इकोनॉमिक कंडीशन है इससे तो पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, जैसा कि है हमारे ये नून लीग के जो भी हैं आने वाले जितने भी सारे ऐसे खाते जा रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। अच्छा, आप जितने भी सियासतदान हैं खुद अपने आपस में लगे हुए हैं सारे, किसी को परवाह ही नहीं है दूसरों की ना, और अगर ये एक कदम उठा रहे हैं, देखें अब गए हैं वो वहाँ पे जो भी मिनिस्टर हैं, तो ये एक मतलब कि अच्छे कदम की तरफ जो है ना होगा, हमारा एक अच्छा कदम होगा। कदम तो अच्छा होगा, कुछ से फर्क पड़ेगा। मेरा सवाल ये था कि वो आइस मेल्टिंग आप देख रहे हैं कि हो रही है, तअल्लुकात में बेहतरी आएगी आप समझ रहे हैं? हाँ जी, ज़रूर आएगी, क्योंकि अगर आप देखें 2014-15 में जब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का विज़िट किया था, उसके बाद ये पहला विज़िट है इंडिया में किसी पाकिस्तान के मिनिस्टर का, तो ये होना चाहिए। अगर हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, और जो कश्मीर का मसला है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी के चांसेस है। कश्मीर का मसला आप देखें, कश्मीर के मसले की वजह से सारी चीज़ें बढ़ रही, तो कश्मीर का मसला आप समझते नहीं कि इसको सॉल्व अब होना चाहिए? 75 साल हो गए, हमने 4 जंगें भी कर ली, बहुत ज़्यादा हमने दुश्मनी खेल लिया, अब आवाम को भी रिलीफ नहीं देनी चाहिए? पाकिस्तानी आवाम जितने ये अभी मसाइल का शिकार है, तो इन सारी चीज़ों को साइड पे करके इनकी तरफ नहीं तवज्जो करनी चाहिए हमें? बिल्कुल ऐसी बात ही है, क्यों ये सारा ध्यान अपना इंडिया कश्मीर पर लगाया हुआ है, अपना मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, इन्हें कोई फिक्र नहीं है अपने मुल्क की, बिल्कुल फिक्र नहीं है, और ये जो जाते हैं वही कश्मीर वाला मसला हल करके वही बात करके वापस। ये नहीं कहना कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ज़ीरो है, हम उस पर तवज्जा करें, महंगाई ऊपर चढ़ी जा रही है, गरीब रोटी पानी से तंग हो गया, मगर इन्हें फिक्र ही नहीं है, इन्हें बस यही है कि हमारी पिछली दुश्मनी है, बस हमने वही करनी है, बस इसके अलावा इनका कोई हल। दुश्मनी हमारी वैसे है क्या? आप यंग हैं, ज़रा आप बताएंगे कि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है क्या? दुश्मनी शुरू से यही चलती आ रही है कि कश्मीर का चाहता था कि हम पाकिस्तान से इल्हाक करें, लेकिन जो है वो क्या नाम है इंडिया, वो कहता है कि नहीं हमने नहीं करने देना, हम अपने साथ कश्मीर को मिलाएंगे। अब ये भी देखें ना कि मतलब के कश्मीर को जहाँ से मतलब के ज़्यादा मुराद मिलेंगी वहाँ पर जाएगा कश्मीर आगे। अब देखें जैसे जितनी जल्दी ये सोल्व हो जाए मसला, तो कश्मीर का मसला ऐसे ही जैसे भाई बता रहे हैं, या इसकी हिस्ट्री आपको पता है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में? कश्मीर की बेसिकली जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है वो यही थी कि जब पाकिस्तान रियासतें बंटने लगी तो कश्मीर के अवाम का फैसला यही था कि हमें पाकिस्तान से इल्हाक कर दिया जाए, लेकिन वो बाद में फिर जंगों जब हुई। कश्मीर के राजा कौन थे उस वक्त, पता है आपको? रणजीत सिंह थे आई थिंक, हरी सिंह से, मेरा हरी सिंह, हरी सिंह थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि इंडिया के साथ इल्हाक उनका होगा। जो राजा हरी सिंह थे ना, वो यही चाहते थे कि वो इंडियन के इंडिया के साथ इल्हाक करें, लेकिन पाकिस्तान जो कश्मीर की आवाम थी वो ये नहीं चाहती थी। कश्मीर की ना 80% आबादी जो थी वो मुसलमान थी, वो यही चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिले। अभी अभी आपको पता है कि वो जो 80% जो आबादी आप कह रहे हैं जो इंडियन साइड कश्मीर है, वो क्या चाहते हैं, आपको कोई नॉलेज है इस बारे में? नहीं अभी रिसेंट तो कोई नॉलेज, अभी जो हालात है पाकिस्तान में तो इसके लिए मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा दोबारा स्टडी करने की जरूरत है। चले इसको बाद में किसी वक्त आपसे करेंगे, अभी आप ये बताएं कि जो हमारे जैसे कि PTI के लीडर आने हैं, इन्होंने भी बोला कि ये नहीं जाना चाहिए था, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल बासित, जो हमारे डिप्लोमेट हैं इंडिया के अंदर, जो रह चुके हैं पहले, सफीर रह चुके हैं, उन्होंने भी बोला कि नहीं इनको जाना चाहिए था। ये क्या वजह है, क्यों नहीं ये लोग चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया की, पाकिस्तानी खुद नहीं चाहते, पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है या डिप्लोमेट है वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों, क्यों, आखिर क्या वजह है? बेसिकली हमें जो बचपन से बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो जो भी सियासतदान या लीडर है जाता है इंडिया पॉपुलर होने के लिए करता है, जो कुछ कार्ड भी प्ले करते हैं, लेकिन कुछ जो भी अगर जाते हैं तो उसके खिलाफ दूसरे पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि गद्दार है। अब पता नहीं वो पॉलिटिशियंस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे,
या आगे अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन मेरे इस पे यही नुकता नजर है कि कश्मीर का मसला अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक उनके लोगों की मर्जी से हल होना चाहिए। जिस तरह वो चाहे पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहें या इंडिया से, ये हल होना चाहिए और हमें ये कश्मीर की लड़ाई। अच्छा, आज आप स्टूडेंट हैं, आपको मैं थोड़े आपके लिए नॉलेज के लिए, आपको पता के जो कश्मीर की करारदाद है उसका मुसवदा क्या है, आपको पता है इसके बारे में? वो यही कहते हैं कि हमने बस आजाद रहना, ना हमने नहीं, जो करारदाद का मुसवदा क्या है वो पता है आपको? नहीं, ये तीन नुकाती जो एजेंडा है उसका मुसवदा है, उसमें पहले ये है कि पाकिस्तान अपनी फौज पहले कश्मीर से वापस बुलाएगा, पहला जो नुकता है वो ये है, पहला पॉइंट जो है। उसके बाद में जो दोनों साइड कश्मीर है, इंडियन साइड कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर है, वहाँ पर इंडियन आर्मी और यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेज हैं वो अपना कंट्रोल संभालेंगी। तो ये दो पॉइंट आप समझते कैसे इन पर अमल हो सकता है? इन पर जिस तरह आपने, ये यूनाइटेड नेशन की, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसके तहत जो बातें पहले दो पॉइंट है ये हैं, तो इसके ऊपर अमल हो सकता है आप समझते? पाकिस्तान करेगा कभी अमल? नहीं होगा ना, तो फिर कैसे मसला हल होगा? और तीसरा पॉइंट बाद में है कि जब ऐसे हो जाएगा उसके बाद में राय शुमारी होगी कि कश्मीरी लोग जो फैसला चाहें वो करें, वो इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं वो वहाँ हों, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ हों, अलहदा से रियासत बनाना चाहते हैं तो अलहदा से हों, लेकिन उसके लिए पहले जो दो पॉइंट हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और वही पाकिस्तान ने उसके ऊपर कभी भी अमल नहीं करेगा। वही ना, इतनी जल्दी आपको पता था पहले इस चीज़ का? नहीं पता था ना, तो ये चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल, कहते हैं ना हकीकत जान कर जियो। बिल्कुल ऐसे जी, इस तरह होना चाहिए, लेकिन जो अभी प्रेजेंट के हालात हैं इसमें तो पाकिस्तान करता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर इतना होता तो बहुत अरसे पहले हो चुका होता। हम यही अब कहेंगे कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सूरत हाल है इसको बेहतर होना चाहिए और जो भी न्यू लीडर आए वो कश्मीर का मसला जिस तरह मुसविदा आपने बताया उस तरह उसको हल करने की कोशिश करे। मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान इस पोजिशन में नहीं है कि फ़िलहाल हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हमें जैसे कि वो बाजवा साहब ने एक तजवीज़ दी थी कि 20 साल के लिए कश्मीर के मसले को वहीं पर फ्रीज कर दिया जाए और अपने तल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, तो मैं तो इसी हक में हूँ कि अभी फ़िलहाल हमें कश्मीर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो लोगों को बुनियादी सहूलतें मुयसर नहीं हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने लोगों पर वहाँ पर ऐसे ही तरक्की दे जैसे कि इंडिया के अंदर अपने लोगों को तरक्की दे रहे हैं। उसके बाद में फिर अपने जो पाकिस्तानी लोग हैं इनके ऊपर भी तवज्जो होनी चाहिए। पहली तवज्जो तो होनी ही हमारे ऊपर चाहिए, क्योंकि हम उनके अंदर, उनकी रियासत के अंदर रह रहे हैं, वो हमें पहले खाना, मतलब जो गरीब है उनको सहूलियात दें। इमरान खान था, उन्होंने सेहत कार्ड बनाया, वो दूसरा बंदा उसके खिलाफ बात, अगर वो मोटरवे बनाई तो वो उनके खिलाफ, ऐसे ही बस चलते जा रहे हैं। हमारी सोच पाकिस्तान के लिए है ही नहीं, हमारी सोच सिर्फ पार्टी के लिए है। यहाँ पे अगर कोई काम करता है ना तो दूसरा उसके मुखालिफ होता है। अगर मतलब कि जैसे अब इमरान खान ने सेहत कार्ड बनाए थे तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ, मोटरवे बनी दूसरी पार्टी उसके खिलाफ, ऐसे बस लगे हुए हैं, कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल आप सही है, ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये हमारा फ्यूचर है, तो काफ़ी हद तक ये अवेयर भी हैं, इन्हें मजीद भी इनके अंदर अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे तरीके से हमारे मुल्क को लेकर चलेंगे और ये इसी तरीके से हमें उम्मीद है कि इंडिया के साथ ये भी ताल्लुकात बेहतर बनाने में पुरउम्मीद हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ पर इस तरह की कुछ मीटिंग करेंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे कि जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।